नमस्कार, मैं रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक से। आज मेरे यहाँ उपस्थित होने का नजरिया और वार्तालाप का जो विषय है वो कुछ अलग है। आज मैं आप लोगों से यूपी टेट के सभी परीक्षार्थियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ, अपने परीक्षार्थी जीवन के अनुभवों को लेकर। इतने वर्ष जो हम बाहर रहे, हमने जो अध्यापन कार्य किया, उसमें जो परीक्षार्थी मिले, जो चयनित हुए, उनके अनुभवों के समावेश को करते हुए परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करना चाहता हूं, जो आपके नोट्स से संबंधित हैं, नोट्स बनाने से संबंधित हैं, प्रश्नों की संख्याओं से संबंधित हैं, कैसे आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं उनसे संबंधित हैं, मार्केट से कौन सी आपकी अच्छी किताबें होनी चाहिए उनसे संबंधित हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन अंकों का महत्व क्या है उससे संबंधित है, आपकी परीक्षा कब होगी और लगभग फॉर्म कब आने की उम्मीद है उससे संबंधित है। कई ऐसे विषय हैं जहां पर देखा गया है कि आप लोग लगातार भ्रमित रहते हैं, खासकर कि वो परीक्षार्थी जो नए नए इनरोल्ड हुए हैं, अपियर हुए हैं, या उन्होंने तुरंत तुरंत बीएड, बीटीसी या बीएलएड किया हुआ है, उन सभी के मन में कुछ विचार रहते हैं। या वो परीक्षार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष तो परीक्षा दी लेकिन उन्होंने बहुत कम अंक अर्जित किए, उनके विषय में। और पूरी ईमानदारी से आज मैं इस चर्चा को करना चाहता हूं, क्योंकि आज इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो लोग कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो लोग घर बैठे हुए हैं या घर बैठे या उनके पास साधन और संसाधन नहीं है, तो हमारा चैनल, हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके लिए भी सहायक है। आज हम पूरी ईमानदारी से इस पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठकर ही अपनी तैयारी को, या आप स्वयं से ही पढ़कर अपनी तैयारी को बहुत कम पैसों में, नोट्स के जो आपको नोट्स खरीदने हैं 100, 200, 400 रुपए में, आप उन कम पैसों में कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और कितने सिलेक्टेड नोट्स खरीदे जाएं कि ज्यादा पैसे आपके खराब ना हो, है ना। और मार्केट से आपको बहुत नोट्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनकी प्लानिंग कैसे हो इस पर बात करना है। खासकर आज उन परीक्षार्थियों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं जो नए नए इनरोल्ड हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप बीएड बीटीसी को नया नया आपने ज्वाइन किया है, या आप अभी पास हुए हैं, या ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विगत वर्षों में फॉर्म भरा, परीक्षा भी दी, लेकिन वो अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाए, या कुछ अंक से पात्रता परीक्षा पास करने से रह गए। तो आज की चर्चा में इतना मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे ही कैसे आप अपनी जो है पात्रता परीक्षा में जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, और कहीं से नोट्स और किताबें खरीदने की जरूरत नहीं। हम आपको नोट्स और किताबें भी फ्री में दे देंगे, है ना। चर्चा को सुनिएगा अच्छे से अंतिम तक, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मैं बात कर रहा हूं। मैंने भी परीक्षार्थी जीवन का एक लंबा हिस्सा संघर्षों के साथ गुजारा है, बहुत ट्यूशन पढ़ाई है, बहुत इधर उधर रहा हूं, है ना। और उसके बाद बहुत सारे समय से मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूं। उस अध्यापन कार्य में बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति मिले जो चयनित हुए, हम लोगों के तरीकों से चयनित हुए, उन्होंने अपने अनुभवों को हम लोगों से साझा किया। उसी अनुभवों के आधार पर आपकी पूरी यूपी टेट की दिशा और दशा को तीन भागों में बांट के आपसे चर्चा कर रहा हूं, है ना। आपके पास एक तो समय कम है, आप एक एक दिन करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि 75 से 80 दिन का समय है। सितंबर में आपका फॉर्म संभावित है, जो कि निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि सरकार के पास दबाव है शिक्षक भर्ती कराने का, तो सितंबर तक के लास्ट तक उसको फॉर्म देना ही देना है, और नवंबर और दिसंबर के आसपास वो आपकी परीक्षा लेगा। मोस्ट प्रॉबली है कि परीक्षा नवंबर में आपकी हो जानी चाहिए, क्लियर। तो सरकार तैयारियों में जुट गई है, पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव है। पैटर्न के बदलाव के लिए आप लगातार पेपर और अखबारों में देखते रहते हैं, अलग अलग विश्वसनीय सूत्रों से आपको जानकारी मिलती रहती है कि परीक्षा के प्रश्नों के जो तौर तरीके हैं उनको अब बदलने चल रहा है, वो कमीशन बदलने चल रहा है। कितना बदलाव होगा ये तो पेपर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे र्यूमर्स उड़े हुए हैं कि प्रश्न ऐसे होंगे, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तीन भाग है इस हिस्से के, है ना। पहले हम लोग सबसे पहले किस पर चर्चा शुरू करेंगे, तीन भाग है इस हिस्से के, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप स्वयं से ही चयनित हो सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास खोने के लिए आज कुछ भी नहीं है, है ना। ना तो हमारे पास इतना पैसा है 2-4-10 करोड़ रुपया कि हम कहीं मॉल खोल सकें, कोई बिजनेस कर सकें। हमारे पास मध्यम वर्गीय परिवार की एक सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हमारे पास केवल और केवल पाने के लिए कुछ होता है, खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हम बरसों से अगर इस परीक्षा का,
इंतजार कर रहे हैं, इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इसी के लिए हमने अपने दो महत्वपूर्ण साल दिए बीएड और बीटीसी करके, तो कैसे हम इस परीक्षा को पास करें? अगर ये परीक्षा इतनी बड़ी चुनौती बनी हुई है और हमारे पास इतने साधन और संसाधन नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें दृढ़ संकल्प तो निश्चित होना चाहिए। उसके बाद आप इन बातों को सुनिए, इन बातों को सुनकर अगर आपने अपने दो चार नंबर भी बढ़ा लिए तो मैं ये मान जाऊंगा कि आज जो मेरा ये डिस्कशन है वो सफल हुआ आपसे। तो आप में सभी जो है भावी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि देखिए, आप स्वयं से ही चयनित हो सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे? सबसे पहले आपकी नोट्स और पाठ्य सामग्री जो है वो कैसी होनी चाहिए? जैसे आप किसी भी नोट से पढ़ने लगते हैं, नहीं, आपको ऐसे नोट्स नहीं लेना है। अगर आपको नोट्स ही लेना है तो मैं आपको नोट्स का तरीका बताता हूं, ठीक है। दूसरा, किताबें जो जरूरी है, बहुत सारी किताबें हम अपने टेबल पर अगर सजा लेते हैं तो वो किताबें हमारे ऊपर एक दबाव उत्पन्न करती हैं। देखिए, नॉलेज जो होती है, नॉलेज या ज्ञान कभी भी गेन करने की चीज नहीं, वो मेंटेन करने की चीज होता है। जैसे हम 10 किताबों को अगर पढ़ लिए तो 10 किताबों से हमने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन परीक्षा कक्ष में वही ज्ञान हमारे काम आएगा जो हमने मेंटेन किया है। इसका मतलब 10 किताबों का ज्ञान हमने गेन तो किया लेकिन मेंटेन नहीं किया। तो 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ जरूरी किताबों को पढ़ें, खरीदें और एक किताब को 10 बार पढ़ें। 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक किताब को कितनी बार पढ़ें? 10 बार पढ़ें। क्योंकि वो प्रश्न चिन्ह जब आपके दिमाग में मजबूत हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो नॉलेज आप मेंटेन कर लेंगे, गेन भी की मेंटेन भी की, वो नॉलेज आपके परीक्षा कक्ष में निश्चित रूप से क्या होगी, काम आएगी। क्लियर? तीसरी चुनौती है, कितने अंक प्राप्त करने हैं और इतने अंकों तक हम पहुंचे कैसे। मान लीजिए 100 अंक आ गए तब भी पास हो गए, 90 अंक आ गए तब भी पास हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप अपने आप में खुद आशंकित हैं कि जो सर्टिफिकेट आपके पास है क्या वो सर्टिफिकेट भविष्य में कभी काम आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि 90 अंकों के साथ आपने पास तो कर लिया, निश्चित रूप से पास कर लिया, लेकिन उसकी कितनी उपयोगिता है उन 90 अंकों की, आप भी बदलते हुए दौर परिवेश में समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं, इसीलिए इस चर्चा को कर रहा हूं। तो आइए पहले बिंदु पर सबसे पहले आपसे बात करते हैं। देखिए, दो तरह की किताबें हैं, एक को आप कहते हैं एनसीईआरटी, एक को आप कहते हैं एससीईआरटी। एससीईआरटी का मतलब है जो स्टेट कमीशन के स्कूल जो है जिनमें जो किताबें संचालित होती हैं उसको हम कहते हैं एससीईआरटी, एस से स्टेट और एन से नेशनल। एनसीईआरटी की किताबों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अगर हम दोनों ही पेपर का अध्ययन करें, सीटेट का और टेट का, तो दोनों ही पेपर का सिलेबस तो एक ही है, आपने अच्छे से देखा होगा, लेकिन पेपर का पैटर्न और पेपर की प्रवृत्ति दोनों ही पेपर की बिल्कुल अलग है। अगर आप कभी सीटेट के पेपर को देखते हैं तो उसमें एनसीईआरटी की किताबों का बोलबाला होता है या इसके पैटर्न का बोलबाला होता है, लेकिन जब आप किसी भी यूपी टेट के पेपर को उठा के देख लीजिए, यूपी टेट का जो पेपर होता है वो एससीईआरटी की किताबों पर डिपेंड होता है, एनसीईआरटी की किताबों पर डिपेंड नहीं होता, या उसकी जो नजदीकी होती है उस पेपर की जो, वो एससीईआरटी की किताबों से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर आपको भीड़ से अलग होने की जरूरत है। आप एससीईआरटी की किताबों पर ज्यादा फोकस करिए जो आपकी स्टेट कमीशन की किताबें हैं। यहां पर पहला आप छोटा सा लेकिन एक मोटा लाभ यहां पर सुनिश्चित करेंगे अपने अंकों की स्थिति में, और आप पेपर को हल करने के ज्यादा नजदीक होंगे। क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया है कि प्रश्न सीधे सीधे एससीईआरटी की किताबों से बने हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी की किताबों में परेशान हैं, तो एक छोटा सा बदलाव तो आप ये करिए। दूसरा, बीएड बीटीसी के इससे ज्यादा जो बीएलएड का पाठ्यक्रम है वो पेपर के केंद्र में ज्यादा रहेगा। क्लियर है? इस बात पर भी आप देखिएगा कि बीएड बीटीसी से ज्यादा आपको बीएलएड के पाठ्यक्रम की जो प्रवृत्ति है उसको आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान आकृष्ट करना है। तीसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर आत्मनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा बल दें। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हमारा आशा यह है कि पहले आपने देखा कि जब आप पेपर उठाते थे और पुराने पेपर्स को नए पेपर से कंपेयर करते थे तो आप देखते थे कि जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनमें पेपर के रिपीटेशन खूब हो जाते थे।
इसका मतलब है पेपर के जो दोहराने की प्रवृत्ति थी बहुत ज्यादा थी, प्रश्नों के दोहराने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, और एक पेपर में आप 40 से 50 प्रश्न ऐसे पा जाते थे जो रिपीटेड है, जो पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछ लिए गए। तो आपका जो आधार होता था पढ़ाई का, तो आप कहते थे यार पुराने सभी पेपर्स को हल कर लो तो 50-60 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। लेकिन पिछले दो पेपर को जब आप उठा के देखेंगे यूपी टेट के गंभीरता से, तो आप देखेंगे प्रश्न का जो रिपीटेशन है वो ना के बराबर है। मतलब आप किसी टॉपिक से अगर कोई प्रश्न जरूरी है तो वो तो हर वर्ष पूछा जाएगा, उसको हम रिपीटेशन नहीं मान सकते। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत तो वो रिपीटेशन नहीं, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आत्मनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा बल दीजिए, मतलब नए प्रश्न जो आपको लगे, जो आपकी पढ़ाई में लगे, नेचुरलिटी जो प्राकृतिक रूप से आपको लगे कि हाँ हमारे समझने में ये विषय वस्तु प्रश्न बन सकती है, तो रिपीटेशन का कम सहारा लेते हुए इन किताबों को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो जो आत्मनिष्ठ प्रश्न है उनकी प्रवृत्ति जरूर अंदर से झलकेगी और वो प्रश्न आपको मिलेंगे। तो रिपीटेशन के प्रश्न आपकी जानकारी को कॉन्फिडेंट तो दे सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा में कितने काम आएंगे इसको कॉन्फिडेंट नहीं देखें। तो नए नए प्रश्नों को देखें और आत्मनिष्ठ प्रश्नों पर क्या करें, ज्यादा बल दें। चौथा, NIOS। जैसे आप जानते हैं कि NIOS से भी BEd और BTC होता है, लेकिन सरकार ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया, सभी आपको मालूम है ना। लेकिन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, लेकिन NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत और बहुत अच्छे हैं NIOS के नोट्स। जैसे कुछ लोग इग्नू के नोट्स आपको प्रेफर करते हैं, लेकिन इग्नू के नोट्स की एक खास बात यह होती है कि उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ है। NIS के नोट्स आपके बहुत मारक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज इग्नू की तुलना में आसान होती है। तो NIS का जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है वो पाठ्यक्रम आपका SCERT की किताबें और BEd, BTC और BLLT के जो पाठ्यक्रम है उनके बहुत पास है। तो कोशिश करिए कि NIOS की जो किताबें हैं उन किताबों को लें, और आप चाहे जिन किताबों को ले रहे हो, आपके पीछे जो भी पाठ्य सामग्री आपकी टेबल पर हो, लेकिन इन किताबों का एक बार सहारा जरूर लें, क्योंकि ये किताबें आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। क्लियर? क्योंकि ये किताबें आपके लिए उपयोगी नहीं, परीक्षा में आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है यूपी टेट पे। मान लीजिए हमने चार चीजों में चेंज किया और चार चीजों में हमने दो दो नंबर ही बढ़ा लिए, तो लगभग 8 नंबर हम यहां पर गेन कर गए। देखिए पेपर की प्रवृत्ति को कोई आपको समझाने नहीं आएगा। जब आप किसी विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप ही वो व्यक्ति हैं जो उस प्रवृत्ति को हल करेंगे, जो उस प्रवृत्ति को पकड़ेंगे और उस प्रवृत्ति पर जो आने वाला पेपर है उसको भी हल करेंगे। आपके पेपर को आपको कोई पारिवारिक सदस्य नहीं समझाएगा। जितना आप पेपर की और सब्जेक्ट की विषय वस्तु में जाएंगे, जितना आप उसको समय देंगे, जितने आप उसके साथ फ्रेंडली होंगे, उतना ही पेपर आपके भी साथ फ्रेंडली होगा, दोस्ताना होगा, हल करने में आपको आसानी होगी। आगे अंकों की व्यवस्था पर पहले बात करते हैं कि कितने अंक आपके लिए जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपको आज ही स्पष्ट कर दूं 115 से कम अंक हैं तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन उस दिन आपको अफसोस होगा अंतिम दिन कि यार शायद 2-3 नंबर बढ़ा लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अंकों की व्यवस्था को कैसे अरेंज किया जाए कि आप कुछ अंकों को बढ़ा सकें। प्रत्येक जो विषय होता है उस विषय की अपनी एक प्रकृति होती है और उसमें अंक अर्जित करने की एक सीमा होती है, और हम देखते हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हम गणित में 30 में से 30 ले आएंगे या हिंदी में हम 30 में से 30 ले आएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस सब्जेक्ट की उस विषय वस्तु की अपनी एक सीमा है। उस सीमा में रहकर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, मैं मानता हूं वो गणित में एक्सीलेंट कर सकता है, लेकिन इस बात को आप सभी के ऊपर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति का अगर गणित अच्छा है तो सबका गणित का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, सब 30 नहीं पहुंच सकते। तो हमें पेपर को ऐसे बैलेंस करना है कि हम 115 पहुंचे, और आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तो आप भी इसी स्थान पर प्रैक्टिस सेट लगाइए कि आप 115 तक पहुंचे। जब हम परीक्षा के पैटर्न को सामने रख के प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम शुरुआत में नोकिया के मोबाइल में स्नैक्स गेम खेलते थे। हम जब गेम खेलना शुरू करते थे, याद करिए वो दिन, तो पहले 50 स्कोर करने तक आपको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन एक बार जब आप 50 स्कोर करते थे
तो फिर कभी आप 50 से पहले आपका गेम ओवर नहीं होता था, फिर 50 पर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता था कि इतना तो हम करेंगे ही, फिर 100 तक पहुंचने में आपको दिक्कत होती थी, लेकिन जब एक बार 100 हो जाता था तो फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता था कि अब इससे कम नहीं होगा, 100 तक तो हम पहुंचेंगे ही। और एक बार आपका वो सांप इतना बड़ा हो जाता था कि आप उस स्नेक को 350 तक ले गए। सेम कंडीशन यहां पे है, जब आप पहला प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे तो आप हो सकता है 90 प्रश्न ही कर पाए, 80 ही कर पाए, 70 ही कर पाए, लेकिन अगर पहले प्रैक्टिस सेट में आपने 70 प्रश्न किए हैं, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर आपने बीएड और बीटीसी किया है तो लगभग 60% सिलेबस को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केवल अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है, क्योंकि वो 60% आपको आता है, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, आपको केवल 10-20% ही अपने अंदर एनहेंस करना है। आप पेपर के बहुत नजदीक हैं, उसके लिए आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, उन किताबों को उठा लें तो भी आप घर बैठे पास हो सकते हैं। बस अपने अंदर वो क्षमता, वो विश्वास, वो मनोविज्ञान और वो जज्बा बस एक बार जगा लीजिए। कैसे? स्नेक्स गेम से कैसे कंपेयर कर लिया, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, पहले दिन 70 स्कोर हुआ, कोई बात नहीं, हम समय सीमा में 70 स्कोर किए, कॉन्फिडेंट रहिए, सिटिंग कैपेबिलिटी वही होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट वही होना चाहिए, अगले दिन 75 होगा, तीसरे दिन 76-80 होगा, जब 15वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंचेंगे तो वो 120 होगा। हां, एग्जाम रूम का दबाव नहीं होगा, अगर हमने 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वो आपको 115 प्लस स्कोर देगा ही देगा, लेकिन 30 प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक महीना समाजीकरण, दुनियादारी, व्हाट्सएप, फेसबुक, मित्रता, यारी सब छोड़कर आपको अपने आप को वहां पर खपाना होगा कि 30 दिन हमने जो पेपर लगाया, उस पेपर में जो प्रश्न हमारे गलत हुए, एक पहर में तो हमने प्रश्न लगाया और दिन भर हमने उन प्रश्नों को खोजा कि वो प्रश्न क्यों गलत हुए। मैं वादा करता हूं एक महीने केवल आप ये करके देख लीजिए और उसके बाद आप इसी वीडियो पर कमेंट करेंगे कि सर आज हम 120 तक पहुंच रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने ये किया है वो उतने तक पहुंचे हैं। लेकिन आप सीधे जब परीक्षा हॉल में जाएंगे, इससे पहले आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आपका धड़ाम होना तय है, क्योंकि दुखी वो होता है जिसने मेहनत की और नहीं मिला। आप दुखी क्यों हैं? आपने तो किया ही नहीं, आप जब करते तब तो दुखी होते, तो पहले करना शुरू करिए। और करने के लिए इस समय पर्याप्त समय है कि अगर आपके पास 75 दिन है तो आप 30-32 दिन घनघोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपकी इसी संतुलित प्रैक्टिस को मानता है कि दिन भर में जो 15 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, हम उस 15 क्वेश्चन की व्याख्या को और डाउट्स को पढ़ लें और अगले दिन के उस 15 में से 3 क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे। जब आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को मेंटेन करेंगे तो एग्जाम रूम में बहुत सारी नॉलेज आपकी काम आ जाएगी। ये अनुभव कैसे? देखिए, अब प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो हिंदी में हमें 30 में से 25 अर्जित करना ही अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं। इंग्लिश या संस्कृत में से जो आपने चुनाव किया है यहां पर 20 ही अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि दोनों भाषाएं आपसे थोड़ी सी दूर रही हैं। ना तो संस्कृत आपके बोलचाल की भाषा में, आप जिस बेल्ट में रहते हो, ना ही अंग्रेजी आपके बोलचाल की भाषा में, इसलिए थोड़ा सा तनाव होता है जब आप इन विषयों को पढ़ते हैं। 20 को ही मान के चलिए। बाल मनोविज्ञान में 22 हो सकता है, टेक्निकलिटी है, साइंस के निकट है ये सब्जेक्ट, हम 100% सही नहीं कर सकते, 22 से ज्यादा चले जाते अच्छी बात, लेकिन पहले से सोचना हम 25 कर लेंगे थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। यहां पर्यावरण में 25 कर सकते हैं, गणित में हम 25 कर सकते हैं, गणित एक ऐसा विषय है आपकी क्षमता के ऊपर आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम सारे नंबर को जोड़ दें तो 115 से 117 तक ही टोटल जाता है। इतना अर्जित करना ही है, यही सोच के तैयारी शुरू करिए, नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि 90 नंबर की मार्कशीट आपके काम नहीं आने वाली, ये आप आज से ही जान लीजिए। अगर आप जूनियर में हैं, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है, केवल विज्ञान वर्ग वाले विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे और कला वर्ग वाले जीएस और जीके के प्रश्नों को हल करेंगे, कैलकुलेशन हमारी वही है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह की पाली में जो है प्राथमिक का पेपर देंगे और शाम की पाली में जूनियर का पेपर देंगे, क्योंकि दोनों ही आप पढ़ ही रहे हैं, कोई इसमें समस्या भी नहीं है। तो 115 से ज्यादा अंक अर्जित करने हैं तो क्या करना पड़ेगा?
रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। प्रैक्टिस रीडिंग और राइटिंग का कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। आइए कुछ प्रमुख देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें आगामी चुनौतियों को ध्यान देते हुए ही आप ये पेपर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मौका हो सकता है आगे आपको ना मिले। 20 लाख से ज्यादा फॉर्म है, आपके समक्ष कोई छोटी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती है। कि आप इंतजार कर रहे हैं फॉर्म का कि जब फॉर्म आएगा तब शुरू करेंगे, नहीं। अगर आपके पास पात्रता परीक्षा देने की योग्यता है तो ये सही समय है, इसी घंटे से शुरू करिए, एक मिनट भी आप अपना नुकसान मत करिए। क्लियर। यहां पे देखिए गुणांक को जोड़ने की बात हो गई है, हो रही है, और निश्चित रूप से गुणांक को जोड़ा जाएगा। तो 90 नंबर लेके गुणांक को सुरक्षित करना है कि 115 नंबर लेके गुणांक को सुरक्षित करना है? अगर 115 नंबर लेके गुणांक को सुरक्षित करना है तो भैया नोट्स की रणनीति पे भी काम करना है, पाठ्य सामग्री की रणनीति पे भी काम करना है, किताबों पे भी काम करना है, क्लियर, और प्रैक्टिस सेशन पे भी काम करना है। इन सब पे काम करेंगे तो 115 आएगा, क्योंकि जो 115 वर्ग वाले होंगे वो निश्चित कर लेंगे आप अपने जॉब के, वो लगभग 80-85% निश्चित कर लेंगे उन लोगों की तुलना में जो 90 नंबर लाएंगे। क्योंकि अगर यहां पर इतनी मेहनत की है, इतना नंबर अर्जित किया है, तो सुपर टेट में भी तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब मौका आएगा तो सुपर टेट में भी तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताइए? क्योंकि एक ही परीक्षा आपको नहीं देनी है, आगामी परीक्षा भी तो इसी से जुड़ी हुई है, तो दोनों को मिला के ही तो अंतिम चयन होगा। तो यहां पर ही आप बैकफुट पे आ गए तो वहां पे आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव काम करेगा, उस अतिरिक्त दबाव को आप यहां पर रिलीज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए इन चीजों को, मैं आगे भी आपको और चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। बुक्स, हम गए किसी का कवर पेज अच्छा हुआ हम उठा लाए, पहली बात तो अगर नोट्स का चयन अच्छे से करते हैं तो इन किताबों की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको मार्केट की कोई सामग्री प्रैक्टिस सेट के अलावा, केवल एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, जितनी क्षमता हो प्रैक्टिस सेट को हल करिए। अगर किसी किताब को उठाने का मन है ही तो कुछ किताबें मैं सजेस्ट कर देता हूं, इन्हीं किताबों को ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए यूथ का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, वाणी की किताब है, और वाणी की किताब अगर नहीं लेना चाहते तो एससीईआरटी की जो हमारा प्रवेश आती है 6-7-8 की, वो ले लीजिए, इतना भारी भरकम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूथ का ईबीएस का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, खूब सारे प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए, हल करिए और हमारा प्रवेश ले लीजिए। बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट, जब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेंगे तो उसमें बाल विकास के भी प्रश्न निश्चित रूप से होंगे। किताब अगर कोई आप चाहते हैं तो मालती सरस्वत की ले लीजिए। देखिए किताब का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई पेपर हल किया और आपके 10 प्रश्न गलत हो गए, अगर व्याख्या से आपने देखा कि हमारे 10 क्यों गलत हुए, आपने व्याख्या पढ़ा, अगर वो व्याख्या समझ में नहीं आ रही है तो वो किसी किताब से लिखी गई होगी, आप उस टॉपिक को उस किताब में खोज के उस व्याख्या को पढ़ लीजिए, वो आपके नॉलेज को एनहेंस करेगा, अगली बार वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, या उस प्रश्न की जो सामग्री है वो कभी भी आपकी गलत नहीं होगी, या उस सामग्री से कोई प्रश्न बनेगा तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर। देखिए हिंदी के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी एक एग्जाम के लिए नहीं, ये सभी एग्जाम के लिए आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे अच्छी व प्रमाणिक किताब मार्केट में नहीं है। ये हम सभी के सम्माननीय है, हम सभी इनसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत मैटर है, इतने आपके काम का नहीं है। एक वाइट कवर पेज की नई किताब आदित्य पब्लिकेशन की आपको मार्केट में मिल जाएगी। आदित्य पब्लिकेशन की अगर हिंदी की किताब आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत मारक सिद्ध हो सकती है, परीक्षा उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन की इस किताब ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इंग्लिश और संस्कृत के लिए कोई मानक किताब इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट तक का जो व्याकरण है, कोई भी व्याकरण की आप किताब ले लीजिए जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए कारगर होती है, वो किताब आपकी आपकी इंग्लिश और संस्कृत के लिए काम आ सकती है। गणित के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं और मार्केट में एक अच्छी किताब है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी की, इनकी किताब गणित के लिए एक अच्छी किताब है, श्रीयाप्ता पब्लिकेशन की किताब है, इसको आप ले सकते हैं। ये किताब टेट सी टेट की आपकी गणित की समस्याओं को दूर कर देगी, अच्छे पैटर्न पर और अच्छे प्रश्नों के साथ लिखी गई है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए अब आपके पास समय कितना है, समय खोने के लिए तो भैया आपके पास है नहीं, है ना,
क्योंकि उतना ही समय है जितना अनिवार्य है, है ना। अगर आज से ही सोच लिए, दृढ़ संकल्पित हो लिए आज से ही, तो गिनिएगा आपकी 75 दिन है। जो लोग फॉर्म का इंतजार करके तैयारी शुरू करते हैं, विश्वास मानिए कभी वो अच्छे अंक अर्जित नहीं कर सकते। अरे फॉर्म आना आपकी प्रक्रिया नहीं है, वो कमीशन का उत्तरदायित्व है कि अगर उसको पात्रता परीक्षा लेनी है तो वो फॉर्म तो देगा ही और आपको तिथि भी देगा। उन्हें जो परिवर्तन करना होगा वो परिवर्तन भी करेगा। आपका उत्तरदायित्व क्या है? कमीशन ने कहा है कि हम इस पहर में, इस समय में परीक्षा कराएंगे। आपका उत्तरदायित्व है कि आप आज से ही जुट जाएं, क्योंकि 115 तय करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर 115 तय करने हैं तो एकदम मत रुकिए, आप आज से ही जुट जाइए, क्योंकि एक एक दिन जब कम होता पड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे जब सुपरटेट का पिछले साल एग्जाम था तो मैंने आपसे कहा था, जनवरी जानी नहीं जाती, फरवरी फुर रुट जाती, समय आपको पता नहीं चलेगा। अभी सर्दी का जब मौसम आएगा समय और संकुचित हो जाएगा, आपका समय बहुत तेज निकलेगा। यह सही समय है। तीज त्योहारों से दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए इस बार, क्योंकि आपको 115 लाना ही लाना है। ये सोच लीजिए, आपका टारगेट जो अगले 3 महीने का है वो 115 अर्जित करने का है। यार बहुत परेशानी से बीएड बीटीसी किया है, बहुत परेशानी से आगे बढ़े हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सोचिए ही नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, केवल यही सोचिए हम कर सकते हैं, क्योंकि मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करेगा। अगर किसी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है तो वो एक मानव था, तो इस पेपर को मानव ही डिकोड करेगा। मेरे भाई आप ही डिकोड करेंगे। आप उस पेपर में 115 पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सामान्य प्रवृत्ति के छात्रों ने पाया है, केवल अपने अंदर वो जज्बा और मनोदशा जगाइए। आप देखिए ना 115 आ जाए तो आप कहना कि रवि सर आपकी बात गलत है। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। जब हम किसी कार्य को सच्चे मन से पाने की कोशिश करते हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऊपर काम करने लगती है। आप नकारात्मकता से एक बार दूर आके देखिए यार मित्र, आप नकारात्मकता से एक बार दूर आके देखिए मित्र, देखिए समय और दशा दिशा सब बदल जाएगा। तो कोशिश करिए, कोशिश करिए, जरूरी नहीं, कहीं जाना जरूरी नहीं है। मेरे संस्थान में बैच चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको यहां आना जरूरी है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या की बात इसमें नहीं है। और आप करिए, विश्वास मानिए, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन आपका टेट का रिजल्ट आएगा। इसी वीडियो के नीचे के कमेंट देखूंगा। और आज आप मुझसे वादा करिए, आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, वादा कर दीजिए कि सर 115 से ज्यादा लाएंगे। अगर आपके मन में जज्बा होगा तो कमेंट में वो जज्बा आज मुझे दिखेगा कि हम 115 से ज्यादा लाएंगे, जितने लोगों के अंदर जज्बा होगा। और मैं वादा करता हूं आज आपसे इसी मन से खड़े होकर, अगर आपको नोट्स अर्जित करने में, नोट्स बनाने में, किताबें खरीदने में दिक्कत है, कुछ दिन रुक जाइए, मैं सारे नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। वादा रहा, अगर आपके अंदर जज्बा हुआ और आप में से जितने लोगों ने कमेंट किया इस जज्बे के साथ कि सर हम करना चाहते हैं, मैं वादा करता हूं आपको इतना बढ़िया नोट्स अवेलेबल कराऊंगा आप सोचे नहीं होंगे। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हम तैयार हैं, टारगेट बताओ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तैयार है। वादा रहा मेरा आपसे, बस वो जज्बा हमें आपके अंदर दिखना चाहिए। हमारे संस्थान, हम यही चाहते हैं कि आप कहीं बैठे हो, हमारी यही इच्छा है, आलोक सर की यही इच्छा है, आप कहीं बैठे हो आप सफल हो, आपकी सफलता की दर बढ़ जाए। नहीं जरूरी है कि आप आइए, कोई बात नहीं, आप जहां हो वहां सफलता की दर बढ़ जाए। और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, जितनी बार करना पड़े, हम लोग वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। नोट्स का आज वादा करके जा रहा हूं, दे दूंगा, पूरा दे दूंगा, बस वो जज्बा जगाइए। आज से एक मिनट भी आप अपना खर्च मत करिए। इतनी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। और कुछ किताबें और नोट्स जो रणनीति बनाई, डेली 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे मतलब 4 घंटे की पढ़ाई और 3 घंटे की रीडिंग मतलब राइटिंग। 7 घंटे का अगर एवरेज आज से ले लें, 115 आपसे आपके कोई छीन नहीं सकता। आज आप लॉक कर लीजिए एक सीट, मेरी बात लॉक कर लीजिए। और इन सब चीजों में अगर कोई भी समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बताइएगा, उसका उपाय रोज ही आपको बताता हूं कि बैच चल रहा है, एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल नया बैच आया है, एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो वो आ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं।
इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा बताइएगा, कुछ मन में था आज आपसे शेयर किया है ना, और इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन आप जो है कहेंगे सर 115 प्लस आया है, मैं वादा करता हूं मेरे भाई आएगा। आप देख लीजिएगा, आप कुछ चीजों पर अमल करिए, आएगा, निश्चित आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।